सो ही गाइस, टुडे वी गोना एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड मेलिफिसेंट फेरी गॉडमदर। और इस मूवी को आईएमडीबी ने 7/10 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों, इस मूवी में हम इंसानों और परियों के बीच क्लैश देखने वाले हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही खूबसूरत से मैजिकल फॉरेस्ट में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को देखते हैं, जिसका नाम मेलिफिसेंट है और वो उस जंगल की क्वीन भी होती है। मेलिफिसेंट के सर पर दो हॉर्न्स के साथ साथ उसके पीठ पर दो पर भी होते हैं, जस्ट लाइक पापा की परी। लेकिन मेलिफिसेंट ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना ही किसी इंसान को, क्योंकि उस मैजिकल फॉरेस्ट में उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट क्रिएचर रहते थे। लेकिन एक दिन जब मेलिफिसेंट जंगल के सैर करने निकली, तो उसे जंगल में एक इंसान का बच्चा दिखाई देता है। मेलिफिसेंट उस बच्चे से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मेलिफिसेंट को बताता है कि मेरा नाम स्टीफन है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं इस जंगल के पास वाले कैसल में रहता हूँ। फिर मेलिफिसेंट अपने रूट गार्ड को पीछे हटने को कहती है और मेलिफिसेंट उस लड़के से कहती है कि ये एक मैजिकल फॉरेस्ट है, तुम्हारे लिए यहाँ आना ठीक नहीं होगा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कैसल का रास्ता बता देती हूँ। फिर वो दोनों कैसल की तरफ बातें करते हुए जाते हैं और मेलिफिसेंट उससे कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे हो, मुझे नहीं पता था कि इंसान भी इतने अच्छे होते हैं। जिसपे स्टीफन कहता है कि तुम भी काफी खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारी विंग्स बहुत अच्छी लगी। और वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है तो क्या मैं तुमसे मिलने यहाँ रोज आ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस कैसल में काफी अकेला फील करता हूँ। इस बात पर दोनों हैंडशेक करते हैं, तभी मेलिफिसेंट को करंट लगता है क्योंकि स्टीफन ने मेटल रिंग पहना हुआ था। वो बताती है कि एंजल्स को मेटल से एलर्जी होती है क्योंकि मेटल एंजल को हार्म करता है और उसे जला देता है। इसके बाद स्टीफन अपने किंगडम के कैसल में वापस चला जाता है। लेकिन जिस कैसल से स्टीफन बिलोंग करता था, वहाँ के किंग उस मैजिकल फॉरेस्ट पर कब्जा करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट डे स्टीफन फिर से वहाँ आता है। फिर वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं और अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। देखते ही देखते काफी साल गुजर जाती है और अब मेलिफिसेंट और स्टीफन एक दूसरे को बहुत लाइक करने लगे थे। फिर उन दोनों में किस भी होता है। अब धीरे धीरे मेलिफिसेंट को ये बिलीव हो जाता है कि इंसान एंजल के दुश्मन नहीं होते और वो दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद स्टीफन उस फॉरेस्ट में आना अचानक से बंद कर देता है, जिससे मेलिफिसेंट को उस लड़के की काफी याद आती है और वो अब काफी अकेली भी महसूस करने लगी थी। फिर एक दिन जब मेलिफिसेंट फॉरेस्ट में एक पेड़ पर आराम कर रही थी, तभी उस किंगडम का किंग अपने पूरी आर्मी के साथ जंगल पर कब्जा करने आ जाता है। मेलिफिसेंट अपने जंगल की क्वीन थी, इसलिए वो जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी आर्मी के सामने अकेले ही खड़ी हो जाती है और उस किंग से कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। जिस पर किंग कहता है, मैं तुम लोगों को हरा कर यहाँ कब्जा कर लूंगा। फिर वो किंग अपनी आर्मी को उन लोगों के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है और वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मेलिफिसेंट काफी एग्रेसिव हो जाती है और अपने फॉरेस्ट के सारे रूट गार्ड्स और अजीबोगरीब क्रिएचर को बुला लेती है। मेलिफिसेंट की टीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो किंग के आर्मी को धोने लगती है और मेलिफिसेंट खुद अपने पर से बहुत सारे सोल्जर को अकेले ढेर कर देती है। उसके पर अब इतने बड़े हो चुके थे कि वो उसकी मदद से बहुत से सोल्जर को उड़ाकर दूर फेंक देती है। काफी देर फाइट होने के बाद मेलिफिसेंट उस फाइट को जीत जाती है और किंग अपने सारे सोल्जर्स के साथ वहाँ से 9/11 हो जाता है। फिर कुछ साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि किंग काफी ज्यादा बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। वो अपने सारे खास लोगों को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि उस मैजिकल फॉरेस्ट में बहुत सारा खजाना छुपा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस विंग्स वाले क्रिएचर को मारकर उस पर कब्जा कर लिया जाए। और मैं तुम लोगों से एक वादा करता हूँ कि जो कोई भी ऐसा करेगा, उसकी शादी मैं अपनी बेटी से करा दूंगा और फिर वही इस किंगडम का नया किंग भी होगा। तभी उनमें से एक लड़का सामने आता है और कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। फिर हमें ये पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही है, जो अब काफी बड़ा हो चुका है और लालची भी। अगले सीन में हम स्टीफन को उसी मैजिकल फॉरेस्ट में देखते हैं, जो काफी साल बाद मेलिफिसेंट से मिलने गया था। उसे देखने के बाद मेलिफिसेंट कहती है कि आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई, इतने दिनों से तुम कहाँ थे और कैसी जिंदगी गुजर रही है तुम्हारी उन जालिम इंसानों के साथ। जिस पर स्टीफन कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि किंग तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो।
मैं मजबूर था जिस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। और मेलिफिसेंट एक बार फिर से स्टीफन पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि उस परिजात को क्या पता कि इंसान कितने कमीने होते हैं और अपने लालच और मतलब के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। फिर वो दोनों एक खूबसूरत से झील के किनारे प्यार भरी बातें करने लगते हैं, जिसके बाद स्टीफन मेलिफिसेंट को अपनी बोतल से पानी पिलाता है। पानी पीते ही मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है, क्योंकि स्टीफन ने पानी में नींद की गोलियां मिला दी थी। मेलिफिसेंट के बेहोश होते ही स्टीफन अपना चाकू निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उसे अपने बचपन की सारी बात याद आने लगती है, जो वक्त उसने मेलिफिसेंट के साथ गुजारे थे। इसलिए वो उसे नहीं मारता, लेकिन वो मेलिफिसेंट के दोनों पर को काट लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगली सुबह मेलिफिसेंट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों पर गायब है। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसकी खूबसूरती और उसकी ताकत उसके विंग्स में ही थे। और फिर वो काफी उदास हो जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट स्टीफन के पर को लेकर किंग के पास जाता है और कहता है, ये लीजिए, मैंने आपसे क्या हुआ वादा पूरा कर दिया। किंग उससे बहुत खुश होता है और फिर प्रिंसेस और स्टीफन की शादी करा देता है, जिसके बाद स्टीफन वहाँ का नया राजा बन जाता है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट बिना पर के काफी उदास थी और वो अब उड़ नहीं पा रही थी। फिर जब एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही थी तो वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवा को मारने वाला है। उसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन अपने मैजिकल पावर से उस कौवे को इंसान बना देती है। शिकारी बेचारा डरकर वहां से भाग जाता है। वो कौवा इंसान बनने के बाद मेलिफिसेंट के पास जाता है और कहता है, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं आज से आपका गुलाम हूँ। और मेलिफिसेंट इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डिवाल रख देती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो कैसल में जाकर सभी पर नजर रखे। फिर डिवाल ऐसा ही करता है। कैसल से लौटने के बाद डिवाल मेलिफिसेंट को बताता है कि स्टीफन ने आपको धोखा दिया था, उसने आपके विंग्स राजा बनने के लिए काटा था। ये सुनने के बाद मेलिफिसेंट को इंसानों से नफरत हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद स्टीफन की एक बेटी पैदा होती है और इसी खुशी में वो लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए मेलिफिसेंट भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे विश करने लगती है। मेलिफिसेंट उस छोटे से बच्ची से मिलती है और वो उसे कहती है कि तुम प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उम्र 16 साल की होगी तुम्हें एक सुई चुभेगी और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और वो ये बोलकर उस बच्ची को शराब दे देती है। स्टीफन उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तब मेलिफिसेंट कहती है, मैं भी एक लड़की थी, पर याद है ना तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। लेकिन मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी होता है और वो स्टीफन से कहती है कि इस शराब का एक सॉल्यूशन है, अगर तुम्हारी बेटी की 16 साल उम्र होने से पहले उसका प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है और वो वहाँ तीन छोटे छोटे परियों को बुलाता है और कहता है, मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाओ और तब तक यहाँ वापस मत लौटना जब तक उसकी उम्र 16 साल ना हो जाए, वरना इसका शराब सच हो जाएगा। जिसके बाद स्टीफन मैजिकल फॉरेस्ट पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज को मेलिफिसेंट ने अपने पावर से कवर कर दिया था और कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता था। और फिर सीन चेंज होती है और हमें फिर से उस प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो स्टीफन की बेटी होती है। उसका नाम ओरेरा होता है और वो तीन एंजल उसे लेकर काफी दूर चली गई होती है। लेकिन मेलिफिसेंट अपने क्रो के थ्रू पता लगा लेती है कि अरोरा किस जगह रह रही है और फिर वो वहाँ चली जाती है। वो अरोरा को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची यानी कि अरोरा उसे देखकर हंसने लगती है। ये देखकर मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है, क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। फिर वो उसे अपने साथ अपने मैजिकल फॉरेस्ट में लेकर चली जाती है। वो तीन परियां जो प्रिंसेस अरोरा का केयर करने के लिए रखी गई थी, वो बहुत ही केयरलेस होती है। फिर एक दिन अरोरा एक बटरफ्लाई का पीछा करते करते एक खाई में गिरने ही वाली होती है कि तभी मेलिफिसेंट अपने पावर से उसे बचा लेती है। देखते ही देखते अरोरा 15 साल की हो जाती है और अब शराब पूरा होने में बस एक साल बाकी रह गया था। और मेलिफिसेंट के तरह ही ओरेरा को बाहर की दुनिया देखने की बहुत इच्छा होती है। तभी ओरेरा को फील होता है कि यहाँ पर कोई है, जिस पर वो कहती है कि सामने आओ, मुझे आपसे बहुत से सवाल करने हैं। और फिर मेलिफिसेंट ओरेरा के सामने आ जाती है और प्रिंसेस ओरेरा उसे देखकर चिल्ला उठती है
और कहती है कि आप तो वही हो जिसने बचपन से मेरा ख्याल रखा है, आप तो मेरी गॉड मदर हो, मैं तो आपको पहचानती हूँ, और वो जो आपके साथ कौवा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेलिफिसेंट को इस जवाब का तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, और वो भी अंदर ही अंदर उससे बहुत मानने लगती है। और वो अब ये नहीं चाहती थी कि जो श्राप उसने अरोरा को दिया था वो उसे कभी भी लगे, क्योंकि वो दोनों एक माँ बेटी की तरह रहती थी और साथ खेलती और साथ बातें क्या करती थी। फिर एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपने सारे पावर का इस्तेमाल करके उसे अपने श्राप से मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। इस बात को लेकर मेलिफिसेंट काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था, जिसके बाद मेलिफिसेंट ये दुआ करती है कि इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए जिससे कि वो उसके शराब से बच जाए। फिर सुबह होते ही प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट बातें कर रही थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए, सारे एंजल्स के तो पर होते हैं। तब मेलिफिसेंट उसे बताती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने मुझे धोखा देकर मेरे पर छीन लिए और वो मुझे बहुत याद आते हैं। इसके साथ मेलिफिसेंट रोने लगती है। अब प्रिंसेस अरोरा के 16 साल होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। फिर तभी उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो काफी स्मार्ट था, और वो एक प्रिंस भी होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद अरोरा उन तीन एंजल के पास जाती है जिसके साथ वो मैजिकल फॉरेस्ट में रहा करती थी। फिर अरोरा तीन छोटी एंजल से कहती है, मैं मेलिफिसेंट के साथ रहना चाहती हूँ। तभी तीनों एंजल्स को लगता है कि इसे मेलिफिसेंट ने सब कुछ बता दिया है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है, और ये अब अपने फादर के पास किंगडम वापस जाना चाहती है। और फिर वो तीनों एंजल्स अरोरा को सब कुछ सच बता देती है कि तुम पर एक शराब है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हें शराब किसी और ने नहीं बल्कि मेलिफिसेंट ने ही दिया है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और उनसे कहती है कि मेलिफिसेंट ऐसा नहीं कर सकती, तुम लोग पागल हो चुकी हो। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा बहुत ही उदास हो जाती है और सीधे मेलिफिसेंट के पास जाती है और कहती है, क्या ये सच है जो मैंने सुना है? मेलिफिसेंट उससे कहती है कि ये सब सच है, मैंने तुम्हें शराब जरूर दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर से बदला लेने के लिए ऐसा किया था। मैं भी नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे पिता के बाद मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही किया है। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से भागकर सीधे अपने किंगडम अपने फादर यानी कि स्टीफन के पास जाती है और कहती है, डैड मैंने आप लोगों को काफी मिस किया, मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। लेकिन स्टीफन को अपनी बेटी को देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है। वो उन तीन परियों से कहता था कि जब 16वां बर्थडे पूरा होने ही वाला था तब तुम लोग एक दिन रुक नहीं सकते थे। स्टीफन अपने सोल्जर से कहता है कि इसे वापस छोड़ाओ या फिर इसे कमरे में बंद कर दो जहां कोई आता जाता नहीं हो और कोई उस कमरे में ना जाए। लेकिन स्टीफन करता भी तो क्या करता, वो शराब को रोक नहीं सकता था। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब प्रिंसेस अरोरा का 16वां बर्थडे था, और फिर शराब के असर से प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद वहाँ पर चली ही जाती है जहाँ पर स्पिनिंग पिन्स पड़े हुए थे और उन पर सुइयां लगी होती है, और वो शराब के वजह से उसे खुद ही टच कर लेती है और वो गहरी नींद में चली जाती है, जिस वजह से स्टीफन बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसकी बेटी गहरी नींद में सो चुकी थी और वो कभी उठ नहीं सकती थी। उधर मेलिफिसेंट को भी काफी बुरा फील हो रहा था। वो उस लड़के को बुलाती है जो प्रिंसेस अरोरा को रास्ते में मिला था। मेलिफिसेंट को लगता है कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, और हो सकता है ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा वापस से उठ जाए। इसीलिए मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ प्रिंसेस अरोरा सो रही थी, और फिर तभी तीनों एंजल उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो उसे बताता है कि मैं पास वाले कैसल का प्रिंस हूँ, जिसके बाद तीनों एंजल उस लड़के को अरोरा के पास लेकर जाते हैं क्योंकि उन तीनों को लग रहा था कि शायद यही उसका प्यार हो। फिर वो लड़का अंदर जाते ही अरोरा को किस करता है लेकिन अरोरा फिर भी नहीं उठती, जिसके बाद वहाँ मौजूद एंजल्स उस लड़के को धक्का मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। जब मेलिफिसेंट को ये बात पता चल जाता है कि ये इसका सच्चा प्यार नहीं है तो मेलिफिसेंट ये सब देखकर रोने लगती है और वो कहती है, मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी, और रोते हुए उसके सर पर किस करती है और वो वहाँ से जाने ही वाली थी
लेकिन फिर उसे पीछे से आवाज आती है, रुकिए मेरी गॉड मदर, और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। और अब हमें यहाँ पर ये समझ में आता है कि प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव मेलिफिसेंट ही थी, क्योंकि वो उसको दिल से प्यार करती थी। लेकिन तभी स्टीफन मेलिफिसेंट के ऊपर जाल फेंककर उसे फंसा देता है, और वो जाल लोहे के थे जो परियों को जला सकता था। मेलिफिसेंट यहाँ पर बहुत ही बेबस हो जाती है, जिसके बाद वो अपने कौए यानी कि डिवाल को ड्रैगन में बदल देती है। वो एक बहुत ही खूंखार ड्रैगन बन जाता है और अपने मुंह से आग निकालकर वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को जला देता है, और मेलिफिसेंट भी आजाद हो जाती है। तभी यहाँ पर किंग स्टीफन अपने कुछ आर्मियों को लेकर वहाँ आता है, और वो लोग मेटल के सील्ड पहने हुए होते हैं ताकि वो मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए जला दे। और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट का वही पर नजर आता है जिसे स्टीफन ने पिंजरे में कैद करके रखा था। वो पर मेलिफिसेंट के करीब आते ही फड़फड़ाने लगता है। फिर प्रिंसेस अरोरा उस पर को पिंजरे से आजाद कर देती है, और वो पर खुद ब खुद मेलिफिसेंट के साथ जाकर अटैच हो जाती है, और अब मेलिफिसेंट दोबारा उड़ने के काबिल हो जाती है। और वो स्टीफन के हाथों को जंजीर से बांधकर वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो स्टीफन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मगर स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के परों को पकड़ा हुआ था ताकि वो उड़ ना सके, लेकिन जैसे वो लोग जमीन पर गिरने वाले होते हैं, मेलिफिसेंट अपने पर खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफन नीचे जमीन पर गिर जाता है और एट द एंड वो मर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि मेलिफिसेंट उन सब बाउंड्रीज को हटा देती है जो कि जंगल के चारों तरफ बनाई गई थी। वहां पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली सी छा जाती है। उसके बाद हमें मेलिफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है, और मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को कहती है, आज के बाद तुम इस जंगल की क्वीन हो। और उसके बाद से वहाँ का किंगडम और वो मैजिकल फॉरेस्ट आपस में मिल जाते हैं, और सब हंसी खुशी से अपनी जिंदगी दोबारा से गुजारने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है। वैसे दोस्तों, इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी आ चुका है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि मैं जैसे ही इस मूवी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूं, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।